फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल इंडिया में इंटरनेट एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। हम इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं या फिर गूगल या किसी अदर सर्च इंजन से ओपन करके अपना काम कर लेते हैं। पर दोस्तों, आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि वो वेबसाइट्स जिन्हें हम किसी भी वेब ब्राउज़र या फिर किसी भी सर्च इंजन से सर्च करके एक्सेस कर लेते हैं, उन वेबसाइट की संख्या इंटरनेट पर केवल 5% है। यानी 95% वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप किसी भी सर्च इंजन या फिर वेब ब्राउज़र से सर्च नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आता है सरफेस वेब, दूसरे नंबर पर आता है डीप वेब और तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होते हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं और साथ ही साथ इन तीनों का क्या क्या रोल होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे करता हूँ एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं सरफेस वेब के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरफेस वेब क्या होता है और इसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो सरफेस वेब वो है जिसे हम सर्च इंजन की मदद से सर्च कर पाते हैं और ये पूरे इंटरनेट पे केवल 5% होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सरफेस वेब होता है इसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है और हम इंटरनेट पर जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं या फिर लिखते हैं, ये सब सरफेस वेब के अंतर्गत आता है। सरफेस वेब में हम किसी भी वेबसाइट को एक लिमिट पर रह करके देख सकते हैं। जो भी वेबसाइट का ओनर हमें दिखाना चाहता है उन सारी चीज़ों को हम देख या फिर एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, हम वेबसाइट की जो एडमिन एरिया है उसको ओपन नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उनकी कोई भी प्राइवेट जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं तब तक जब तक कि एडमिन ना चाहे। इसका सिंपल सा एग्जांपल, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसे आप सर्च इंजन से सर्च कर पाते हैं वो सारी वेबसाइट सरफेस वेब के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के रूप में भारत सरकार की वो वेबसाइट्स जो इंटरनेट पे हम सर्च कर पाते हैं वो सारी वेबसाइट्स सरफेस वेब के अंतर्गत आती हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है डीप वेब। तो दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि डीप वेब क्या होता है। दोस्तों, डीप वेब ऐसा इंटरनेट है जिसे हम सर्च नहीं कर पाते क्योंकि ये नो इंडेक्स वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जितनी भी क्लाउड स्टोरेज की वेबसाइट्स होती हैं वो डीप वेब में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गूगल ड्राइव की या फिर वन ड्राइव की या फिर ऐसी किसी भी क्लाउड स्टोरेज वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये सारी वेबसाइट्स डीप वेब के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम सिर्फ तभी एक्सेस कर पाते हैं जब उनका फिक्स यूआरएल और उनका पासवर्ड हमारे पास होता है। इस तरह की वेबसाइट पर गोपनीय जानकारियों को सेव किया जाता है या फिर सरकारी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। फिर इस पर डेटाबेस बनाकर भी रखा जा सकता है, ईमेल लिस्टिंग की जा सकती है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन भी की जा सकती है। इन वेबसाइट्स को वही लोग एक्सेस कर पाते हैं जिनके पास इनकी परमिशन होती है, इनका यूआरएल होता है और पासवर्ड होता है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे जो भी फाइलें हम सेव करते हैं उसका यूआरएल जब हमारे पास होता है तभी हम उसे डाउनलोड या फिर एक्सेस कर पाते हैं, अदरवाइज हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है डार्क वेब। तो इस बारे में हम जानेंगे कि डार्क वेब क्या होता है और इसका क्या एप्लीकेशन होता है। देखिए, डार्क वेब एक इंटरनेट का ऐसा हिस्सा होता है जहां सारे गैर कानूनी काम होते हैं। तो डार्क वेब के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसे केवल एजुकेशनल पर्पस तक ही सीमित रखें, और डार्क वेब में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डार्क वेब पे सारे इलीगल काम होते हैं, लीगल काम डार्क वेब के थ्रू नहीं किए जाते हैं। डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेशल इंटरनेट ब्राउजर की जरूरत होती है जिसे हम TOR ब्राउजर के नाम से या टॉर ब्राउजर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप अपनी आईपी एड्रेस को छुपा सकते हैं ताकि आपकी जो प्राइवेसी है, जो आपकी पहचान है, वो गुप्त रहे। डार्क वेब में एक्सेस करने के लिए आपको अपनी पहचान छुपाने की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो सारे काम इलीगल रूप से होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही
डार्क वेब के बारे में जाने। डार्क वेब की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है, सब अपने मन के मालिक होते हैं, और यहाँ पर इसीलिए डार्क वेब को काली दुनिया भी कहा जाता है। दोस्तों जितने भी इलीगल काम होते हैं वो सारे काम डार्क वेब के थ्रू किए जाते हैं। हालांकि जो साइबर टीम है, साइबर टीम लगातार कोशिश करती है कि डार्क वेब पे लोगों को ना जाने दिया जाए, और डार्क वेब पे गए हुए जो लोग इलीगल काम करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनकी पहचान करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस भी छिपी होती है और डार्क वेब पर सारे गैर कानूनी ही काम होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं हो पाती है। तो ये थी बात तीनों वेब के बारे में, जिसमें मैंने आपको सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।